देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो। अब आपका यहाँ पर दो चीज़ दिया है, 3 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर 8 मंथ। ईयर और मंथ में छोटी क्वांटिटी कौन सी है? मंथ की है। मतलब 1 ईयर कितना मंथ होता है? 1 ईयर होता है आपका 12 मंथ। 1 ईयर होता है 12 मंथ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर दिया है 3 ईयर और 4 मंथ दिया है, ठीक है। 3 ईयर 4 मंथ, 3 ईयर, ईयर होता है 1 ईयर 12 मंथ, तो 3 ईयर कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मंथ, कितना? प्लस 4 मंथ, 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4। तो हम 3 ईयर 4 मंथ को पूरा टोटल मंथ में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा 40 मंथ। तो पहला आपका जो है वो 40 मंथ होगा टोटल। अब दूसरा वाला रहेगा 5 ईयर और 8 मंथ, ठीक है। 5 ईयर और 8 मंथ, 5 ईयर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8। जो मंथ है उसको वैसे का वैसा लिखना है, बस जो ईयर है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 5 होता है 60, 60 प्लस 8 आपका आंसर आएगा 68 मंथ। आपका आंसर क्या आएगा? 68 मंथ। तो एक आपका 40 मंथ आ रहा, एक आपका 68 मंथ आ रहा, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो। 40 मंथ अपॉन 68 मंथ, इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर वो निकाल दो आपका फैक्टर्स। 40 का फैक्टर क्या आएगा? 220 सा, क्योंकि 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5। तो 40 का फैक्टर ये देखो, ये 2 2 2 5, यहाँ लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय। दूसरा आएगा आपका 68, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, एक इसको दिए 2 7 14। अब 17 आ रहा है, 17 किसी और के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर, इसलिए 17 1 17, ठीक है। अब इसका फैक्टर जो है वो यहाँ लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। अब जो सेम है उसको कट कर दो, 2 2 कैंसल 2 2 कैंसल, जो बच गया 5 2 10 और नीचे 17। तो ये आपका आंसर आ गया 10 अपॉन 17, क्योंकि इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर है।